अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको करबला की जंग कब, कैसे और क्यों हुई, इस वाकियात के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, करबला की जंग इस्लाम की तारीख की एक बहुत ही जरूरी घटना है। ये सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं की रहनुमा भी है। इस लड़ाई की बुनियाद तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद रखी जा चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का खलीफा बनना कुछ नाहक लोगों को पसंद नहीं था, तो कई लड़ाइयाँ हुई, अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। तो उनके बाद हजरत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने, उनको भी शहीद कर दिया गया। उस समय का हुक्मरान यजीद माना जाता है कि पापी और जालिम था, अपनी हुकूमत में गैर इस्लामी काम किया करता था। इराक के शहर कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को कई खत लिखकर कूफा आने को कहा, ताकि वो उनके हाथों में बैत करके उन्हें अपना खलीफा बनाए। लेकिन यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाए। वह जानता था अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसके मुट्ठी में होगा। लाख दबाव के बाद भी इमाम हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो यजीद ने हुसैन को रोकने का मंसूबा बनाया। 4 मई 680 में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भैंस में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पाक जगह पर खून बहे, इसलिए इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफा की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मनों की फौज उन्हें घेर कर करबला ले आई। इमाम हुसैन ने करबला में अपने खेमे लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान ले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मनों ने अंत में फरात नदी, जिससे थोड़ी ही दूरी पर इमाम हुसैन ने अपने खेमे लगाए थे, उन पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी जाने पर रोक लगा दी गई। यजीद की फौज देखकर कूफा के लोग, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए, उन्होंने भी हुसैन का साथ छोड़ दिया। 3 गुजरने के बाद जब इमाम के खानदान के बच्चे प्यास से तड़पने लगे, तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा, तो दुश्मनों ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने, तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से एक रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके खानदान ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे। मेरे फैमिली, मेरे दोस्त चाहे शहीद हो जाए, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जो नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे वो बचा रहे। 10 अक्टूबर 680 ई को सुबह नमाज के टाइम से ही जंग छिड़ गई। जंग कहना तो ठीक ना होगा, क्योंकि एक और हजारों की फौज थी तो दूसरी तरफ 72 अराकीन यानी मेंबर्स का खानदान था, जिसमें 6 से लेकर 13 तक के बच्चे भी शामिल थे। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 72 लोग शहीद हो गए, जिनमें दुश्मनों ने 6 के बच्चे अली असगर, जो कि इमाम हुसैन के बेटे थे, उनके गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 के बच्चे हजरत कासिम, जो कि इमाम हुसैन के भतीजे थे, उनको जिंदा रहते घोड़ों के टापों से रौंद डाला। और 7 8 के बच्चे ऑन मोहम्मद, जो इमाम हुसैन के भांजे थे, उनके सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया था। करबला की जंग मौजूदा इराक में करबला शहर में इस्लामिक कैलेंडर 10 मुहर्रम 61 हिजरी
यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में हुई थी। ये लड़ाई हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली के हामी यानी सपोर्टर्स और रिश्तेदारों के एक छोटे ग्रुप के और जालिम हुक्मरान यजीद की एक बड़ी फ़ौज के बीच हुई थी। इस लड़ाई में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अनु और उनके परिवार के मर्द हज़रात और उनके साथी शहीद हो गए थे। तो ये था कर्बला के शहीदों का वाकया।